हेलो और कुछ नहीं आज तो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार ही कर लो। चलो व्यक्ति के कोई माने भाग नहीं है। अब ये आप अक्सर ही माने जो दारू का ठेका बंद करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे पहले भी ठेका पहले भी चल रहा था, क्या परेशानी आ रही थी? पहले कई बंदोबस्त किया था, मानते नहीं थे सर का। पुलिस वाला खड़े किया था, बंद किया था, ऑफिस गया था, नहीं माना था। अच्छा, हाँ, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बंद करना चाहते हैं, हटा दिया जाए। गले में पड़े रहते हैं, दारी पड़े, बांगड़ा तक के पड़े रहे, पैसा कहीं जानो हारे नहीं, पाई डोले निकलो हाथ में नहीं, हारे नहीं है। हमारा ठेका बंद किया जाए, हमारे घर के पास ठेका नहीं खोला जाए। पुलिस तो कह रहे आप जाओ, हटा देंगे, नहीं हटा दिया जाए। हम तो यही हमारी मांगे पूरी करो, यही मरेंगे यही करेंगे, बस हमारे को हटा दिया जाए। दारू का ठेका होने से औरतों के लिए परेशानी, बहुत परेशानी है। बाहर निकलते हैं गलियों में दारू पीने के पड़ते रहे, पड़े रहता है दारू में, दारू पीने बग गया, गलियों में पड़े रहता है। और रोड में आए के जाओ और गाड़ी ले, मोटरसाइकिल ले जाओ, हाँ हाँ बहुत परेशानी है। बाहर निकलते हैं गलियों में दारू पीने के पड़ते रहे, पड़े रहता है दारू में, दारू पीने बग गया, गलियों में पड़े रहता है। और रोड में आए के जाओ और गाड़ी ले, मोटरसाइकिल ले जाओ, हाँ हाँ मुंडो गाड़े आवे छे बके गाड़िया निकाल जाओ के गाड़िया निकले। हमारे विभाग तो क्या मामला, आपके विभाग के खिलाफ तो जी बोलते हैं, मेरे इंडियन न्यूज़ की रिपोर्ट दी थी, अब इस तरीके से क्या दिया? आप हाथ जोड़ के जा रहे हो, हम दूसरे काम रास्ता जाम रहा है, आप जवाब ही नहीं देंगे। किसने मना करा यार, हाथ जोड़ के जाइए।
नहीं तो क्या यहाँ तो नहीं बैठा लूंगा आपके लिए यार। नहीं आप मेरे लिए मत बैठिए सर। नहीं आप तो कह रहे हो ना जाइए मत। तो जाइए मत सर। तो एक तो एक तो देर से आते हो आप, चार चार घंटे देर। ऐसा नहीं आता, आप मेरे को कहते थे आप और धरना काम करते, मैं पहले चले चलूंगा। पूरी रात हम जगे रहे। यहाँ पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। चार घंटे जाम हो तो कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक की ना समझी का विरोध हुआ। पब्लिक ना समझे? बिल्कुल। अच्छा तो फिर अभी आप ठेके लगा रहे हैं? ठेके लगा रहे हैं आप? देख लेना अगर लगेंगे तो, नियमों में लगाएंगे। ये क्या जवाब हुआ सर? ठेके लग रहे हैं नहीं लग रहे? जनता विरोध कर रही, मना कर रही है कि भाई ठेके नहीं लग रहे। जो ठेके नियमों में लगेंगे वो लगाएंगे। अच्छा तो ये बता रहे हैं कि मंदिर से दूरी वगैरह वो सारे नॉर्म्स वो सब नाप करके किया जाएगा। मंदिर से दूरी, मस्जिद से दूरी जो भी है सब नाप के किया जाएगा। सर वैसे ठेके के लिए कोई भवन आवंटित होता है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, किराया चिट्ठी चाहिए बस। अतिक्रमण में कोई भी किराया छुट्टी नहीं देता। अतिक्रमण में कोई किराया छुट्टी नहीं देता है। और आपको कुछ देवे तो आप मेरे को देना, तो आपके थ्रू नहीं मैं इसके लिए बात भी हूँ की नियम वगैरह बताऊँ। नहीं नहीं आप कह रहे हो ना, आप अतिक्रमण बोल रहे हो, आप अतिक्रमण बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ सर, नगर परिषद आयुक्त से हमारी बात हुई। हाँ ये सामने जो ठेका आवंटी थी ये अवैध है, रहवासी इलाका है, इसके कमर्शियल बन गया। तो वो नियमन तो नगर पालिका करेगी। अच्छा। हमसे नहीं करेंगे अगर नियमन करना है उनको तो। अगर कोई ठेका खोलता है उसके लिए डॉक्यूमेंट सिर्फ किराया चिट्ठी, सहमति पत्र चाहिए। अच्छा 5 रुपये के स्टाम्प पे। सर इस इलाके के अंदर दलित बस्ती है, कोई ऐसा नियम है कि SC ST वर्ग का इतना कोटा होगा? उनका नहीं, उनको सबको देख करके, नियमों को देख कर आवंटन किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी यहाँ पर रास्ता जाम हुआ और जाम जो है मंदिर से जो आवंटित दुकानों की दूरी की विवाद को लेकर हुआ जी। इस संबंध में यहाँ जैसे जाम हुआ तो समझा इसकी, और जिन्होंने जाम किया वो जाम भी असंवैधानिक है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रही बात मंदिर से दूरी की, उसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं, और उस निर्देशों के पालना में और नियमों की पालना में जो दुकानों की लोकेशन है वो तय की। हम तो 24 घंटे के हैं जी, कानून व्यवस्था के लिए हैं। अब कौन क्या कहता है, किसका कितना क्षेत्राधिकार है और किस विभाग का क्या दायित्व है, उन दायित्वों का सबको लोक सेवक की हैसियत से निर्वहन करना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है। ये जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार का मामला है कि कौन क्या देरी से आया और क्या इरेगुलरिटी रही है, डिपेंड ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी।